दरभंगा का चर्चित हत्याकांड, भूमाफियाओं द्वारा हुए हत्याकांड में एक नया मोड़ आया पिछले दिनों, जब निक्की झा ने उस आवेदन को दिखाया जिसमें एडीएम ने शिव कुमार झा को उस जमीन का मालिकाना हक दिया। आज दरभंगा के पत्रकारों के कुछ प्रश्नों का जवाब जिलाधिकारी ने दिया कि एडीएम पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और एडीएम ने किन आधारों पे शिवशंकर झा को इस जमीन का मालिकाना हक दिया, क्या दरभंगा के एडीएम पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, आइए सुनते हैं दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब क्या दिया। परिजन आज उन्होंने एक आरोप जो है एडीएम साहब पे लगाया कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट जो है वो दिया गया, जिसके कारण जो आरोपी शिव कुमार झा है उनका मनोबल बढ़ा और ये घटना हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल पीड़ित परिवार के लोग आए थे, उनके द्वारा कुछ मांग पत्र समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक न्यायालय का, अपर समाहर्ता के न्यायालय का आदेश की एक कॉपी भी, एक पेज उन्होंने दिया था। मुख्य रूप से अगर इसको देखें तो अभी वर्तमान में उस आदेश के बाद माननीय आयुक्त के न्यायालय से स्टे ऑर्डर लागू था, तो आयुक्त माननीय आयुक्त के न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बाद उसके अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में स्टे ऑर्डर के बाद जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है कानूनी रूप से। तो क्या सर, इसमें क्या जो एडीएम सर का जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के क्या किसी तरह की जांच की जरूरत महसूस हो रही है? जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी है कि उस आदेश के विरोध में पीड़ित परिवार के द्वारा माननीय आयुक्त के न्यायालय में मामला लाया गया है, तो वो आदेश भी अब उसमें विचार के दायरे में है। तो जो भी वहाँ से निर्णय होगा या फिर उस आदेश के संबंध में जो भी टिप्पणी की जाएगी तो उसके आलोक में कार्रवाई भी की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, जितने भी मामला दरभंगा जिले में घटित हो रहे हैं अपराध के, वो तमाम मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। आपके स्तर पर तो मामला को आदेश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो इसकी लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर के क्या ख्याल? निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। भूमि विवाद के कारणों में हमें बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत होगी। भूमि का जो प्रकार है, भूमि का जो ओनरशिप है, और जो भूमि के लिए जो कानून बने हुए हैं जमाबंदी वगैरह लेकर के, अगर हम अधिकार और स्वत्व के जो दस्तावेज हैं उसको अद्यतन करने का कार्य करें, और जो भूमि विवाद के मामले हैं उसको शुरुआती दौर में, जैसे हमारे अभी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी प्राथमिकता के साथ थाना स्तर पर ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी का संयुक्त मीटिंग किया जाता है, उसमें भूमि विवाद के संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। फिर अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे भी डीएम और एसपी की संयुक्त बैठक में इन सारी चीज़ों को गहनता से लिया जाता है। तो सरकार काफ़ी संवेदनशील है भूमि विवाद के मामलों को लेकर के, न्यायालय में भी जो मामले हैं उसका द्रुत गति से निष्पादन हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटाइज किए जा रहे हैं सारे दस्तावेज, इससे आने वाले समय में हम लोग काफ़ी हद तक